जा बना, हमारे जासूसों से खबर आई कि कुछ छोटे प्रांतों के राजा साथ मिलकर हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। अगर ऐसा है बीरबल, तो ये बहुत ही संगीन मामला है, हमें सावधान रहना चाहिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है जिल्लेलाही, हर मुश्किल का हल, हर बगावत का हल इस मुल्ला दुर्प्याजा ने ढूंढ निकाला है। और वो क्या है? महान वैज्ञानिक ज्ञानदेव जी, जिन्हें अभी अभी हमने यहां बुलाया है। ज्ञानदेव जी, जहां पनाह को ज्ञानदेव का सलाम। आइए 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 ज्ञानदेव जी, तशरीफ रखिए। जहां पनाह ज्ञानदेव जी का नया आविष्कार हमें दुनिया में सबसे ताकतवर बना देगा। दरीचे शक। और वो आविष्कार है क्या मुल्ला जी? अग्निबाण। अग्निबाण मेरा नया शस्त्र है। जिस सेना के पास वो होगा उसकी जीत निश्चित होगी। जहां अपना अग्निबाण जब फूटेगा और फैलेगा तो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। क्या कहते हैं आप बीरबल? जहां अपना हमारे हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक हथियार है, बहुत जनहानि हो सकती है इससे, सारी कायनात उलट पलट हो सकती है। लेकिन कोई भी दुश्मन हमें एक आंच भी नहीं पहुंचा सकता। जहां अपना इतने ताकतवर हो जाएंगे, जहां बना ज्ञानदेव जी के नए आविष्कार अग्निबाण और इसे बनाने का खुफिया तरीका इन्होंने हमें 1,00,000 सोने की मोहर के एवज में बेचने का फैसला किया है। क्यों ज्ञानदेव जी, हमने इनसे सारी बातें कर ली? जहां बना ये आविष्कार आविष्कार नहीं, इंसानियत की दुश्मन है। जहां बना हम मानते हैं कि हमें इस आविष्कार को खरीद लेना चाहिए, लेकिन दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आविष्कार किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। इस आविष्कार को इतिहास के पन्नों से मिटाना होगा। जहां अपना हम इस आविष्कार को खरीदेंगे जरूर, लेकिन इसे खरीद के इसे दूर ले जाकर दफना देंगे हमेशा हमेशा। ऐसी बेतुकी की बातें कर रहे हैं आप जनाब बीरबल जी। जापना की जय हो। राजा भीमसेन, राजा सूरजभान पधार रहे हैं। ओहो, उन्हें बाइज्जत जरा अंदर भेजिए। जाइए जाइए। आपको सलाम। हम आपके खिदमत में हाजिर हैं हुजूर। राजा भीमसेन, राजा सूरजभान, हम आप ये लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए, तशरीफ रखिए आइए। वाह वाह वाह, राजा भीमसेन जी, आपकी ये मोतियों की माला तो बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया जापना, अगली बार हम आपके लिए भी बिल्कुल ऐसे ही मोतियों की माला लेके आएंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, हमें हमारा संयुक्त संधि प्रस्ताव 5 सालों के लिए और आगे बढ़ाना है। मुल्ला जी, कागजात तैयार कीजिए। जी जापना। जापना, एक दरखास्त, हमें अपने राज्य की कुछ सीमा बढ़ाने की अगर आप अनुमति दे दें तो। नहीं भीमसेन जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको हमने इजाजत दे दी तो फिर हर कोई यही मांग लेकर यहां आएगा। ये बात तो बीरबल सही कह रहे हैं। जो हुक्म जहां पना। अरे बीरबल, आपने हमारे मेहमानों के लिए कोई जश्न का इंतजाम किया है कि नहीं? और आज तो हमारे साथ ज्ञानदेव जी भी मौजूद हैं। आप लोग ज्ञानदेव जी को तो जानते हैं ना? बहुत अच्छी तरह हुजूर। विश्व के महान वैज्ञानिक ज्ञानदेव जी। जापना, इस बार के जश्न में हम आपके सामने एक ऐसी कलाकार, ऐसी नृत्यांगना को पेश करने जा रहे हैं जिसकी कला आज से पहले ना किसी ने देखी, ना इस कला के बारे में किसी ने सुना। आइए। बल, ये क्या मजाक है? ये कैसे नाचेंगी? मजाक नहीं जापना, ये चमत्कार है। ये नाचेगी और जरूर नाचेगी, एक पैर पे नाचेगी।
देखिए हम आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकते। देखिए मोहतरमा, जापना को सलाम, हमारा नाम मयूरी है। हाँ मयूरी जी, देखिए आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप अगर चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं। एक पैर पे नाचना नामुमकिन है। गुस्ताखी माफ जापना, अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर ये बात है तो हम आपके हौसले को सलाम करते हैं। आज की शाम का जश्न आपके नाम। प्रणाम ज्ञानदेव जी। आइए राजा बीरबल, बैठिए। क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? हमारी नहीं, लेकिन आप हमारे आवाम की खिदमत कर सकते हैं। आपका अग्नि बाण वाला आविष्कार हमारे आने वाले नस्ल को तबाह कर देगा। कृपा करके इसके अस्तित्व को मिटा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं बीरबल? ये हमारी जिंदगी भर की मेहनत है और ये एक अद्भुत अनोखा प्रलयकारी आविष्कार है। आने वाले प्रलय का अंदाजा है हमें ज्ञानदेव जी, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि कितने लोग इसको पाना चाहते हैं। सूरज भान भी हमारे पास आए थे। ज्ञानदेव जी, आपने हमारा प्रस्ताव ठुकरा कर अग्निबाण बादशाह अकबर को बेचने आए, आपने ये नहीं सोचा कि हमें कितना बुरा लगा होगा? हमें आप पर विश्वास नहीं है। आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और अकबर, अकबर तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं। ताकत ही ताकत को संभाल सकती है राजा सूरज भान। आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जो भी हमारे खिलाफ गया उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। आग से खेल रहे हैं आप। इसी के लिए हमें 2 लाख सोने की मोहरें चाहिए। दे सकते हैं आप? क्या इतनी? हम नहीं दे सकते। इसी से आपको अपनी सही ताकत का अंदाजा हो गया होगा। ये तो मामला और भी गंभीर हो गया ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी, हम आपसे आपके अग्निबाण के आविष्कार को, उसे बनाने के खुफिया राज को खरीद लेंगे, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि आप दोबारा इसे नहीं बनाएंगे। ज्ञानदेव जी, हम आपसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आपके कागजात हमने जल्द से जल्द बनवाने दे दिए हैं। अब आपके आविष्कार का सौदा हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हम भी तैयार हैं, लेकिन उस कागजात में एक शब्द बदलना होगा। 1 लाख सोने की मोहरें के बजाय 2 लाख सोने की मोहरें देनी होगी। और वो क्यों? क्योंकि इसके खरीदार और भी हैं जो इससे भी अच्छी कीमत दे सकते हैं। ज्ञानदेव जी, आप जैसे महान वैज्ञानिक से मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। तो आप अपना आविष्कार बादशाह अकबर को बेच रहे हैं? इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अगर आप हमसे कहते तो हम आपको कहीं ज्यादा कीमत दिलवा सकते थे, मगर अफसोस आपने हमें याद नहीं किया। खैर जाने दीजिए, आप अपनी कीमत को पहचानिए ज्ञानदेव जी, आप हमें कभी भी याद कर सकते हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं ज्ञानदेव जी? मुकर नहीं रहे मुल्ला जी, हम अग्निबाण आपको ही बेचेंगे, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। देखिए, आप तो समझते हैं, हमारे पास भी तो यही मौका है। इतना आसान नहीं है ज्ञानदेव जी, हमें बात करनी होगी और जहां पना का इस पर मानना बहुत जरूरी है। और हाँ, आपका ये अग्निबाण, आपका ये आविष्कार, अब आप किसे बेचते हैं, किसके हाथ में देते हैं, इसका फैसला हम आप पर ही छोड़ते हैं।
जरा सोच समझकर फैसला कीजिएगा। दरीचे शक। जापना बात समझने की कोशिश कीजिए। अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त तो हम कर लेंगे, लेकिन किसी भी हाल में इस अग्निबाण के आविष्कार को हासिल करके उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। जहां बना सलामत रहे। आइए आइए मुल्ला जी, आइए। सलामत रहे। जहां बना उस ज्ञानदेव ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। अब 2 लाख सोने की मोहरों में उसे सौदा कर रहा है। ज्ञानदेव की इतनी हिम्मत, कीमत दुगनी कर दी अचानक। दे दीजिए जापन, वो जो भी कीमत मांगे उसे दे दीजिए। क्या? लेकिन ये अग्नि बाण का आविष्कार किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसे हमें ही मिटाना होगा, चाहे इसके लिए हमें दुगनी कीमत क्यों ना देनी पड़े। हो क्या गया है जनाब बीरबल जी आपको? एक काम कीजिए, कल से आप चूड़ियां पहनना शुरू कर दीजिए। किस बात का डर है आप? जहां पना जरा सोचिए, अगर ऐसा हथियार हमारे पास हो तो न जाने कितने मुल्क हमसे डरेंगे। और रही बात उस ज्ञानदेव की, तो मुगलों के साथ ऐसा रवैया उसे बहुत महंगा पड़ेगा। हम उस ज्ञानदेव को सबसे बड़ा सबक सिखा कर ही रहे। दरीचे शक। सभी लोग दरबार में मौजूद हैं तो ये मुल्ला जी कहाँ रह गए? कहाँ हैं वो? जहाँ पना मुल्ला जी कहीं गिर गए और पता चला है कि उनके पैर में बहुत जोर से मोच आ गई है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्या क्या हुआ, क्या क्या हो गया मुल्ला जी? कुछ नहीं, यहाँ आते वक्त फिसल के गिर गए और मोच आ गई। जहां पना, हम उम्मीद करते हैं कि आप शाही हकीम से अपना इलाज करवा रहे हैं। जी जी जहां पना। चलिए ठीक है, जश्न शुरू किया जाए। अद्भुत, वाह, ना कभी ऐसा देखा ना सुना। हम इनाम देना चाहते हैं। आपको नहीं देना चाहते, उनको देना चाहते हैं। आपको क्यों देंगे इनाम? उन्हें दीजिए जाके। जी जहां पना। आपके इस हुनर के, आपकी इस कला के तो हम कायल हैं। शुक्रिया जहांपना। देखा आपने रानी साहिबा? हाँ हाँ जहांपना, देखा और पसंद भी किया। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन जहांपना, आप हमारी कभी तारीफ नहीं करते हो? हम आपकी तारीफ क्यों करें? क्यों, हम भी तो आपको नचाते हैं उंगलियों पर। बस बस वैसे मयूरी, हम आपके हुनर के कायल हो गए। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमें
बता सकती हैं कि आपके साथ ये हादसा हुआ कैसे? हम बताते हैं जापना। जापना पहले ये ज्ञानदेव जी और मयूरी के पिता हमारी सेना में काम करते थे। दोनों अच्छे मित्र थे और साथी भी थे। एक दिन जब ज्ञानदेव जी अपने संशोधन में लगे हुए थे, किसी खतरनाक आविष्कार की खोज में थे, तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। अफसोस की बात यह है कि उस धमाके में मयूरी के पिता की मौत हो गई और मयूरी ने अपना एक पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और इत्तेफाक की बात देखिए जापना, आज एक बार फिर मयूरी और ज्ञानदेव जी हमारे सामने। जापना, मैं मानता हूं कि यह हादसा मेरी वजह से हुआ था, लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ जापना, ये हमारी बदकिस्मती थी, पर हम सब कुछ ये भूल चुके हैं और जिंदगी में कुछ कर दिखाने की आकांक्षा लिए हम जी रहे हैं। बहुत खूब मयूरी जी, भाई हम तो आपके मुतासिर हो गए। देखिए ना, हमें एक पैर पे चोट लग गई और हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, और आप एक पैर पे कितना सुंदर नृत्य कर लेती। आज ये मुल्ला दो प्याजा आपको सलाम करता है, खुदा आपको सुकून बख्शे। और हाँ ज्ञानदेव जी, हम सब जानना चाहते हैं कि आपके नए आविष्कार अग्निपाण के बारे में आपका फैसला आप कब सुनाएंगे? आज रात के भोजन पर अपना प्रस्ताव और निर्णय सबके सामने रख देंगे। कर रही हैं आप रानी साहिबा? आप 3 घंटे से तैयारी हुई जा रही है, चलिए ना, भोजन के लिए जाना है। आप बस चलिए चलिए, चक्कर काटिए, आपके लिए अच्छा है, वजन थोड़ा कम होगा। जब देखो तब भोजन भोजन भोजन। ये वजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी हमें भोजन के लिए नहीं जाना है, वहां पर वो ज्ञानदेव जी अपने आविष्कार अग्निबाण का फैसला सुनाने वाले हैं। किसे देंगे, किस कीमत पर देंगे? ये भी कोई अग्नि बाण है? अरे बाण तो हमारे मैके में हुआ करते थे, जिसका नाम होता था हवा बाण। ये हवा बाण क्या होता है? पहले तो हमने कभी नहीं सुना ये नाम। वही तो, जानकारी कम फिर भी बोलेंगे हम। जापना, हमारे मैके में ना जब किसी का पेट खराब होता है उसे चूरन खिलाया जाता है, उसी को हवा बाण कहते हैं। हवा बाण, हवा बाण। बीरबल, आपने अपने माता पिता को सगाई में बुलाने के लिए संदेशा भिजवा दिया? हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ उसका? मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? अरे यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई है, लगता है छोड़ना पड़ेगा। किसे छोड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप को या हमें? हम अपने माँ बाप को क्यों छोड़ेंगे? तो क्या हमें छोड़ देंगे? अभी तो आपने कहा छोड़ना पड़ेगा। अरे उर्वशी, मुल्ला जी नहीं मान रहे, वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि ये अग्निबाण का आविष्कार कितना खतरनाक है, इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। छोड़िए, तो उन्हें जाकर अकेले में समझाइए ना, यही बात आप उन्हें भरे दरबार में सबके सामने समझाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा आपने उर्वशि, अकेले में समझाना होगा मुल्ला जी को। चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। मुल्ला जी को समझाने? अरे नहीं, उनके यहाँ तक आपको छोड़ दे, हमें आपके साथ थोड़ा सा वक्त सुधारने का मौका मिल जाए। चलिए हम आपको उनके दरवाजे तक छोड़ कर। अरे सोचिए ना, चलिए ना, चलिए।
यहां इस वक्त इस तरह? सुरेश, आपको पता है हमने आपके और हमारे माता पिता से हम दोनों की सगाई की बात कर ली है। वो लोग आते ही होंगे। छोड़िए। छोड़ने नहीं, उन्हें लेने जाना है। मुल्ला जी, मुल्ला जी, पता नहीं, मुल्ला जी कहाँ हैं आप? वो तो अंदर भी नहीं, पता नहीं कहाँ चल। बिपिन जी, गजब हो गया, वो ज्ञानदेव जी। क्या हुआ उन्हें? मैं नहीं बता सकता, आप छेड़िए बस मेरे साथ। उर्वशी, आप अपने कक्ष में जाइए, हम देख के आते हैं। चलिए। कैसे हुआ ये? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो इन्हें भोजन के लिए बुलाने आया था, मगर यहाँ आके देखा तो। जापन और मुल्ला जी को इत्तला कर दीजिए कि ज्ञानदेव जी की हत्या हो गई, और यहाँ के किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दरवाजा बंद कर दीजिए, और अभी क्या, अभी सभी को दीवाने खास में बुलाई इसी वक्त। हमारे महल में इतना बड़ा हादसा, कत्ल हो गया हमारे महल में, किसने किया, कैसे किया, किसने किया? बात बिल्कुल लाइनिंग की तरह साफ है जहां। आखिर मयूरी ने अपना बदला ले ही लिया। क्यों रीचे शक? नहीं जापना, मैंने कुछ नहीं किया। जहां पना, इस लड़की को अभी के अभी गिरफ्तार कर लिया जाए। सच कह रहे हैं जापना, मुझ पे भरोसा कीजिए। जहां पना, हर कातिल अपने जुर्म के पीछे कोई ना कोई तो निशान छोड़ता ही है, और उस कमरे में एक ही पैर के निशान थे जहां पना। आने वाले और जाने वाले, सबूत, वजह और मुजरिम तीनों आपके सामने बैठी है जहां पना। दरीचे शक। बीरबल जी, मुल्ला जी, सबूत भी है और वजह भी है, लेकिन मुजरिम करार देने के लिए इतना काफी नहीं। वैसे जापना, शक के दायरे में तो सूरज बान भी आते हैं। ज्ञानदेव जी को मारने की वजह तो इनके पास भी थी। आप ये क्या बोल रहे बीरबल जी? भला मैं, सूरज बान जी, हम जानते हैं कि आप ज्ञानदेव जी से अग्नि बाण का आविष्कार और उसे बनाने का तरीका खरीदना चाहते थे, उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, और इसी बात को लेकर आपने ज्ञानदेव जी को धमकी भी दी थी। और रही बात एक पैर के निशान होने की, तो मुल्ला जी, आजकल आप भी एक ही पैर पे चल रहे हैं ना? क्या मतलब बिल्कुल, आप कहना क्या चाहते हैं? जहां बना, मुल्ला जी तो ज्ञानदेव जी को जान से मार देना चाहते, और ये बात इन्होंने खुद हम दोनों के सामने कही थी, याद कीजिए। कहने और करने में बहुत फर्क होता है जनाब बीरबल जी। यही तो हम भी आपको समझाना चाहते हैं मुल्ला जी, कि देखने में और होने में भी बहुत फर्क होता है। उस हिसाब से तो कातिल
आप भी हो सकते हैं। आपको भी वो अग्निबाण तो नहीं चाहिए था, थे आप तो इसे मिटा देना चाहते थे। जाहिर है आपने सोचा होगा कि बनाने वाले को ही रास्ते से बाहर निकाल दिया जाए तो ना रहेगा बाज ना बचेगी बांसुरी। क्यों, ये क्या कह रहे हैं आप मुल्ला बीरबल? मुल्ला जी गलत नहीं बोल रहे हैं हुजूर, कारण तो इनके पास भी है। जापना जो भी कातिल है उसने अग्निबाण बनाने का राज भी चुरा लिया, इसलिए हमें जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना होगा। हमें आज्ञा दीजिए। खुद शक के दायरे में है और कातिल को ढूंढने चलेंगे। पहले अपनी बेगुनाही साबित कीजिए बीरबल जी। शक के दायरे में तो आप दोनों हैं, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। हमें यकीन नहीं हो रहा है इस मामले के सुलझने तक आप में से कोई भी हमारे इस महल को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। पता करना होगा कौन है ये कातिल, किसने किया है ये कत्ल।